हेलो स्टूडेंट्स इन दिस क्वेश्चन अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबलाइज्ड बाय अनायन फॉर्मेशन इज कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें अनायन फॉर्मेशन से आपका मॉलिक्यूल स्टेबलाइज हो रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो चीज़ें हैं इसको करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इज कि आपका बॉन्ड ऑर्डर इधर इंक्रीज होना चाहिए कि आप कह सकते हैं दूसरी चीज कि आपका जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है दैट शुड गो इन बॉन्डिंग रादर देन इन एंटी बॉन्डिंग इफ इट इज गोइंग इन एंटी बॉन्डिंग यू विल हैव लेस बॉन्ड यूल है ऑलरेडी प्रेजेंट इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो इनकमिंग है अगर वो एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है तो मॉलिक्यूल विल बी अनस्टेबल देन इट वॉज बिफोर एंड इट विल बी मोर स्टेबल इफ द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज गोइंग इन द बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ओके तो अगर हम बात करें सी टू की सी टू इज सिग्मा वन एस टू सिग्मा वन एस टू स्टार देन सिग्मा टू एस टू देन सिग्मा टू एस टू स्टार देन पाए टू पी एक्स में दो इलेक्ट्रॉन्स पाए टू पी वाई में दो इलेक्ट्रॉन्स

Z. तो अगर सिगमा में ही जा रहा है इट इज गोइंग इन द बॉन्डिंग एमो बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड द बॉन्ड ऑर्डर इज इंक्रीज बाई पॉइंट फाइव ओरिजिनली बॉन्ड ऑर्डर टू होता है सी टू नेगेटिव में बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा आपका टू पॉइंट फाइव देफो दिस मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल दिस एनाइन विल बी मोर स्टेबल ओरिजिनल प्रेजेंट मॉलिक्यूल तो इट इज स्टेबलाइज बाय दिस द आंसर इज टू एफ टू में देख लेते हैं एफ टू में यू हैव अ टोटल ऑफ एटीन इलेक्ट्रॉन सो इट इज गोइंग टू बी सिग्मा टू एस टू सिग्मा टू एस टू स्टार पाए टू पी एक्स देन पाए टू पी वाई सिग्मा टू पी जेड देन पाए टू पी एक्स स्टार पाई टू पी वाई स्टार में दो दो इलेक्ट्रॉन्स ठीक है नाउ इफ द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज कमिंग तो यहां पे हम एंटी बॉन्डिंग में पहुंच चुके हैं द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विल बी गोइंग इन द एंटी बॉन्डिंग वन सो so, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो बाय पॉइंट फाइव डिक्रीज कर जाएगा ओरिजिनली इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 1. अब अगर आप इसका देखेंगे तो वो पॉइंट फाइव रह जाएगा देअ दिस मॉलिक्यूल इज नॉट स्टेबलाइज बाय द फॉर्मेशन ऑफ एन तो इसी तरीके से एन ओ और टू करना है सो द आंसर इज सी यू हैव टू सी इफ द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज गोइंग इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल द विल बी अनस्टेबल मोर देन इट वॉज बिफोर द मॉलिक्यूल जैसा भी है And if it is the incoming electron is going in the bonding molecular orbital the anion will be more stable thank you